दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा टिप्स आपको बताने वाला हूं जिससे भैया 100-100 नंबर सारे बच्चों के आ जाएंगे, एकदम सबके, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं ना सबके, जो फेल भी हो रहा होगा भैया वो भी 100 में से 100 नंबर लेके आएगा। रियलिटी है, कर लो, ले आओ 100 नंबर। अब कमेंट में गालियां देना शुरू, ये कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा, ऐसे होगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 10 सवाल आ जाएंगे। लेकिन जब ये वर्ड बोलते हो कि सर 6 महीने से बिल्कुल भी किताब को टच नहीं किया, नंबर क्या चाहिए सर, 80% कैसे आएंगे, सर मैथ्स आज तक छुई नहीं है सर क्योंकि मेरे को समझ नहीं आती, सर पास होना है मैथ्स में, समझ नहीं आती तो भाई फेल हो गए, रियलिटी है। क्यों लिया था मैथ्स, पढ़ाई छोड़ देते, कई को एक साल बर्बाद किया अपना, क्योंकि आप अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हो भाई। पेरेंट्स भी आके कहते हैं ना हमसे कि बेटा हमारा क्या लोगे, अपना बिगाड़ रहे हो तुम, अपना समय बर्बाद कर रहे हो, और ये रियलिटी है यार। हम क्या करते हैं एग्जाम टाइम में आके स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूजेस अपने आप फिट कर लेते हैं बॉडी में, मैथ्स क्योंकि मुझे समझ नहीं आती मैथ्स, अच्छा हिस्ट्री मुझसे ना लॉन्ग क्वेश्चंस याद नहीं होते, यार अगर यही चीज नहीं होती तो क्यों पढ़ाई करी, मत करते पढ़ाई। और ये डांटना बहुत जरूरी है क्योंकि आप दूसरों को एक्सक्यूज दो वेल एंड गुड, लेकिन तुमने अपने आप को भाई धोखे में रख रखा है अपने आप को कि मुझे खुद से ही नहीं हो रहा, हाँ भाई अब नहीं कर पाऊंगा तो कैसे कर लूंगा यार, मतलब दिल को लगा कि भाई ये बोल रहा है बंदा कैसे कर लेगा, ये रियलिटी है ही नहीं मेरे भाई, ये रियलिटी है ही नहीं। APJ अब्दुल कलाम ने बात कही थी, शायद तुम भूल गए, उन्होंने कहा था कि जो तुम छोड़ के चले जाते हो टॉपर वही पढ़ के टॉप कर जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो दोस्त अगर समझना चाहते हो एग्जामिनेशन में जाने से पहले कुछ मिस्टेक्स वो समझ लो, अगर नहीं समझ पाए, आई एम टेलिंग यू ट्रुथ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके सवाल है, वो तो मजाक में बोल बैठा, थोड़ा गुस्से में बोल बैठा, लेकिन अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आई एम टेलिंग यू बिल्कुल ट्रुथ 100%। अगर ट्रुथ ना हो तो कमेंट में लिखना कि हाँ सर नहीं, अगर सही बोल रहा हूं तो यस कमेंट में लिखना, राइट है। अगर आपके 80% मार्क्स आ रहे होंगे, अगर आपने ये 5 जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इंप्लीमेंट किया तो कहीं ना कहीं 90 के ब्रैकेट्स में घूमेगा, 60 में हो कहीं ये 5 प्रिंसिपल फॉलो किया 75 से ऊपर के ब्रैकेट में घूमेगा। तो स्टार्ट करूंगा नंबर 1 से, वो है क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन पैटर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, मैं आपसे एग्जांपल देता हूं। आपने कभी देखा होगा, लोग सुनते हैं ना ज्यादातर लोग जो शिमला हिल स्टेशन में रहते हैं मशहूरी, कहते हैं यार वहां के बस वाले भाई इतनी बड़ी बड़ी होती है ऐसे चलाते हैं कि आंधी तूफान की तरह, और जो बाहर से बंदे आते हैं वो डर डर के अपनी कार डर के चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उस बस वालों को हर जगह का आइडिया है, एक एक इंच का पता है कि यहां पे गाड़ी कैसे चलानी है, कैसे मोड़ना है, कैसे ब्रेक लगानी है, कैसे टर्न लेना है, और जो बाहर से जाता है उसको नहीं पता होता। तो अगर आप बाहर वाला भी वहां पे जाके हर महीने 4 बार जाता रहेगा तो उसको भी पता रहेगा कैसे टर्न लेना है, कैसे कट लेना है। तो मेरे दोस्त पेपर में जाने से पहले आपको उसके पैटर्न को, पैटर्न कहां पे आएगा, वो आएगा सैंपल पेपर में। सैंपल पेपर के पैटर्न्स को जो CBSE का 3 पेपर 4 पेपर आपको मिलते हैं बोर्ड से कुछ टाइम पहले, जो आपके पास अभी होगा, उसकी प्रिपरेशन दबा के करनी है, पैटर्न की, बिल्कुल पैटर्न की प्रिपरेशन करी, सैंपल पेपर कवर हो रहे हैं, चाहे वो CBSE वाले खत्म हो गए वो लास्ट ईयर के हैं तो वो, और जो सैंपल पेपर में आपको मिलता है वो, ये अगर आपने कवर अप कर लिया तो पैटर्न आपका जो है वो क्लियर हो गया। मतलब अब जब वहां पे जाएंगे तो स्पीड बूस्टअप होगी। जो पेपर में हमारा कंप्लेन रहता है वो है नेक्स्ट, कि भैया टाइम ही नहीं मिलता यार, टाइम कब रहता है। अबे मेरे टाइम पे भी 3 घंटे थे, तुम्हारे टाइम पे भी 3 घंटे हैं, और आगे भी 3 सवा 3 घंटे ही रहेंगे, 15 मिनट पढ़ो 3 घंटे पेपर दो, कम कहां है। और जब भी हम ये वर्ड बोलते हैं वाह टॉप पेपर था, 3 घंटे के था ही नहीं, कम से कम 4 घंटे चाहिए थे, उस साल उस सब्जेक्ट में ज्यादा बच्चे 100 में से 100 लेके आते है, रियलिटी है, और ये आप जानते हैं मैं भी जानता हूं, और ये मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने भी दिन याद कर रहा हूं, बिकॉज मैं आपका तो कम देखा है ना, खुद का ज्यादा देखा है, खुद के बहाने ज्यादा देखे हैं, तो अपने आप को गुस्से में कोस रहा हूं कि मैंने भी ऐसे ही कहा था भाई 3 घंटे का पेपर नहीं, और उस साल मेरे सामने सबसे ज्यादा काउंट्स बच्चे 100 में से 100 लेके आए थे। तो दिस इज अ रियलिटी कि अगर आप ये सोचते हैं कि टाइम कम है तो पैटर्न को अगर फॉलो करेंगे तो स्पीड बूस्टअप होगी, जो कि एग्जामिनेशन में 3 घंटे का जो पेपर है आपका रिटन का, 15 मिनट पढ़ने के बाद 3 घंटे का, 2 घंटे 45 मिनट में कवर करेंगे, लास्ट के 15 मिनट
अब आपको करना है उसमें कि जो लास्ट के 15 मिनट है उसको रिवाइज करना है. उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट दे रहा हूँ डिफरेंट तरीके से चेकिंग करना. फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथ से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अकाउंट से क्वेश्चन ऊपर से लिख रहे हैं, चेकिंग सेम पैटर्न में मत करिए. कई बार साइकोलॉजिकल होता है. मैं आपको याद दिलाता हूँ बचपन के वो दिन जब आपको 10 word meanings टीचर होम ट्यूशन जो मेरा टीचर आके दे के आता था 10 बोलता था अगले दिन याद करके आना. मैं पूरा रट्टा लगा के याद करके जाता था और वो ऊपर से नहीं पूछता था, वो पूछता था बीच में बता इसकी मीनिंग क्या है, मेरे को नहीं आती. लेकिन अगर उसने ऑर्डर में पूछना है मुझे सारे याद होते थे. तो ऑर्डर में चीजें सारी याद है, बीच से पूछा गड़बड़ खा गया. तो मेरे दोस्त वही है कि हमें ना ऑर्डर की चीजें पता है. जब मैं पहली बार जब मैं 3 घंटे के पेपर में स्टार्टिंग में जब मैं करके आ रहा हूं कोई गलती हो चुकी है सेम वे में रीचेक करूंगा तो मैं गलती नहीं ढूंढ पाऊंगा. इसीलिए चेकिंग का तरीका डिफरेंट होना चाहिए. जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, जब मुझे अकाउंट्स कर रहे हो, मान लो PNL बनाया फिर कैपिटल अकाउंट बनाया, फिर कैपिटल से चेक कर लो, नीचे से आगे बढ़ जाओ रिवेल्यूशन ऐसा गया फिर बैलेंस शीट में ये कैसे बैलेंस आ गया, ये अमाउंट कैसे है, थोड़ा सा अभी से ही आदत डालो. रीचेकिंग की आदत डिफरेंट वे में डालोगे लास्ट के 15 मिनट्स में, वो आपको बूस्ट दिलाएगा मेरे दोस्त. और पैटर्न अगर आपने अभी कवर किया तो ये चीजें बहुत इंपैक्ट डालेंगी. अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं, टेक अ गुड स्लीप बिफोर एग्जामिनेशन डे. दोस्त पेपर एग्जामिनेशन से पहले आपको एक अच्छी नींद लेनी है. अभी लाइन बड़ी छोटी है, समझने वाले बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो एल्गोरिथम है वो समझना बहुत जरूरी है. स्लीपिंग इन द सेंस कि आप स्लीपिंग का मतलब थोड़ी कि 12-12 घंटे सो जाओ एकदम एग्जाम से पहले, 15-16 घंटे आराम से चिल कर वो सुजवा लो उठ के एकदम लैसा दूर से देखते बोले भाई तू तो बहुत चिल्लो क्या है एकदम. नहीं, इन द सेंस कि जो डिप्रेशन होता है मतलब बहुत टेंशन होता है बहुत ज़्यादा, ना पढ़ने का, होमवर्क्स ना याद करने का, कई चीज़ें नहीं हुई, क्वेश्चंस रह गए, ये वाला पैटर्न 2 बार करना था 1 ही बार रिवीजन किया है, अरे वो चीज़ आती नहीं है. कई लोग लगता है कि अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि याद हुआ भी है कि नहीं. इन चीज़ों की टेंशन जब आप ज़्यादा कम स्लीप लेते हैं तो ये चीज़ें जितना एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा इन चीज़ों का प्रेशर ज़्यादा होता है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. उन चीज़ों को कम करने के लिए ऑलवेज टेक अ स्लीप. 6 से 7 घंटे की नींद एग्जामिनेशन से पहले हमेशा अच्छे से लीजिए और सीधा एग्जामिनेशन में जाइए. कई बच्चे क्या गलती करते हैं, सेंटर पे पहुंचते हैं, तेरा क्या हुआ मेरा क्या हुआ, मोटी मोटी गाइड लेके रोड पे पढ़े जा रहे हैं. एक्चुअली वहां पे जो पढ़ रहा है ना वो भी कुछ पढ़ नहीं रहा, क्योंकि जो वो पढ़ रहा है वो शॉर्ट टर्म गेन कर रहा है और बाकी जो पढ़ के आया वो भूल चुका है वो. तो आप समझो कि वो जितना रोड पे पढ़ रहा है वही उसके लिए फायदेमंद है, उसके बाद पूरे साल उसने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ फालतू का काम किया है. और जो आप आके उसको बार बार देख रहे हो यार ये तो करे जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी लैग कर रहे हो जो पढ़ के आए उन चीजों पे. तो उनको फोकस नहीं करना, जो पढ़ के आए सीधा सेंटर में. मैंने आज तक बता रहा हूँ लाइफ का उसूल है, मैंने ये फर्जी वाले काम नहीं करे, किताब लेके रोड पे ज्यादातर लड़कियां करती थी मेरे क्लास की, सीधा रोड पे ये ड्रामे नहीं सीधा क्लास में, और रिकॉर्ड है मेरा. और वो कहते ना कि जो मुंह से निकला हुआ पहला शब्द वो हकीकत होता है. जब बच्चा क्लास से पेपर देके जब पेपर निकल रहा होता है निकलते वक्त बाहर कहता है 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर 8 नंबर भाई पास, और वो वर्ड हकीकत होते हैं. अगर वहाँ किसने बोल दिया भाई फेल समझ लो डवाडोल है. और ये वाला बताना कि जो मैंने आपको बताया ये एक्चुअली वर्थ इट है कि नहीं, ये रियलिटी है. सो ये मेथड्स आपको फॉलो करने हैं. मुझे लगता है अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली तो बहुत चीज़ें इम्पैक्टेबल होंगी. तो दोस्तों ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. नेक्स्ट वीडियो में एग्जामिनेशन पे और चाहते हैं मैं और वीडियोस बनाऊंगा. जो बच्चे इन चीज़ों से निकल चुके हैं जिनका एग्जामिनेशन हो चुका है उनके लिए मैं कहूंगा दोस्त अब एग्जामिनेशन हो चुका है कुछ करियर स्किल्स के रिलेटेड काम करो. करियर स्किल्स में सबसे बड़ा पार्ट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का है. इससे बड़ा कोई करियर आज के डेट में नहीं है. तो अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के बाद अब महीने के 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए इजिली गेट टू, और आई एम टेलिंग यू ट्रुथ, मैंने कई लोगों को अपने हैंड होल्ड करा के सिखा के करवाए हैं चीज़ें. तो अगर आप चाहते हैं ये चीज़ करना तो दिए हुए नंबर पर कॉल करिए, जो दिए हुआ नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, और कंसल्ट करिए काउंसलर से, वो आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें उस कोर्स में है. बिकॉज मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनाता हूँ, आप किस तरीके से एक वेबसाइट, मुझे याद है कल एक बच्चा आ गया था हमारे ऑफिस में, सब कुछ दिखा रहा सर आपसे सीख के मैंने ये वेबसाइट बनाई, कितना फील प्राउड हुआ. मैंने कहा चल यार ये होती है लाइक रिवॉर्ड मिलता है कि एक नया बच्चा जिसको वेबसाइट नहीं पता वो खुद से वेबसाइट बना पा रहा है. तो वेबसाइट बनाना, एफिलिएट मार्केटिंग बनाना, देयर आर सो मेनी चीजें. तो पूरी डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स विद सर्टिफिकेट मैं करवाता हूं आपको. और हमारी वेबसाइट में जब आप vmacreators.com पे आएंगे तो आप देखेंगे कि वी आर एसोसिएटेड विद दिल्ली एक्सेल, सो मेनी कंपनी जिनके साथ हम एक्सक्लूसिव एसोसिएट हैं.
तो अगर आप चाहते हैं सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बनना और एक यूट्यूबर बनना, तो देर मत करिए, दिए हुए नंबर पे कॉल करिए और अपनी लाइफ को चेंज करिए मेरे दोस्त। सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनिए, डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनिए, डिपेंडेंसी को कम करिए और एक अर्निंग शुरू करिए जिससे आप अपने फैमिली की सपोर्ट कर सकें। तो बस इस वीडियो में इतना ही कह पाऊंगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।